घी बनाने के बाद जो खुरचन बच जाता है, चलिए उससे बहुत अच्छी मिठाई बनाते हैं। वीडियो देखने के बाद आप कभी खुरचन को नहीं फेंकेंगे। सूजी ले लिया है 2 चम्मच, बड़े चम्मच से। उसे कढ़ाई में थोड़े से भून लेते हैं। थोड़े थोड़े भून गए हैं, अब इसमें खुरचन डाल देते हैं। खुरचन को भी थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत ही अच्छी लगती है मिठाई। देखिए भून गया है, अब इसमें दूध डाल देते हैं। दूध डाल के इसे पका लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए बढ़िया से। दूध सारे सोख लिए हैं, इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे सटे नहीं। अब इसमें गुड़ डाल देते हैं। जितना खुरचन है उसी हिसाब से गुड़ डाल के इसे मिला लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पकाएंगे इसे। जो भी ड्राई फ्रूट है आपके पास वो डाल दीजिए। डाल के इसे लगातार चलाएंगे। बहुत ही अच्छी मिठाई बन जाती है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। हो गया है, देखिए अब निकाल लेते हैं इसे प्लेट में। तरह से इसका सेट दे देंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, सेट हो जाएगा। तैयार हो गई ये मिठाई। ऊपर से नारियल का बुरादा है तो डाल दीजिए, बनाए वैसे भी अच्छी लगती है। तो काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। काट लिया, तैयार हो गया है खुरचन से बहुत अच्छी मिठाई बन गई है। देखिए तोड़ के मैं दिखा देती हूँ, बहुत सॉफ्ट हुए हैं।